आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे। पिछले एक्सरसाइजेज में 6.2 और 6.1 में हम लोगों ने एंगल्स और लाइंस के बारे में पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में मेनली हम लोग ट्रायंगल्स और उसके एंगल्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं अगर ट्रायंगल की, ये सपोज ए बी सी सम ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई ए बी सी ट्रायंगल है तो यहाँ तीन एंगल बनता है, से एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी और तीन एंगल बनता है, तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। से हमारा एक ट्रायंगल है इसका नाम कुछ हम लोग देते हैं ए बी सी, और ये तीन एंगल बन रहा है। तो पहला जो प्रॉपर्टी होगा कि हमारे तीनों इंटीरियर एंगल्स, यानी इंटीरियर एंगल्स हम लोग बोलेंगे, तो पहला जो हम लोग प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है, मान के चलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा एक प्रॉपर्टी हुआ। और जो अगला हम लोगों को इस चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ना है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, अगेन नेम करते हैं हम लोग ए बी सी, तो अगर हम लोग ए बी को और आगे बढ़ाते हैं, बी सी को और आगे बढ़ाते हैं और सी ए को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा था ए बी सी। अब इसके अलावा एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हर जगह, ठीक है। हम लोग इस तीनों एक्सटीरियर एंगल का नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। तो जो पहला जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स जो है वो इन दोनों के एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होता है। मीन्स कि अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, से इट इज़ 1, 2 और 3, ठीक है, अगर ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है, तो x विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, y विल बी इक्वल्स टू अपोजिट। अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके सामने जो दो एंगल बन रहे हैं, तो इससे y के सामने क्या है, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है, और z के सामने क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। यानी हमारा जो प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल, देन दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट्स एंगल्स, टू अपोजिट्स एंगल्स, ये जो बाहर के जो दो एंगल्स हैं इसके बराबर होगा इसका सम, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज में कि क्या है क्वेश्चंस इसमें। तो एक्सरसाइज 6.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.39 साइड क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये जो वैल्यू है ये हमारा किसका वैल्यू है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है, ठीक है। इफ एंगल एस पी ई आर 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री, फाइंड एंगल पी आर क्यू। यानी हम लोगों को इस एंगल का वैल्यू निकालना है पी आर क्यू। अब हम लोग चाहें तो दो काम कर सकते हैं, या तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो ये और इस एंगल के बराबर 110 होगा, फिर 135 जब लेंगे तो ये और ये एंगल के बारे में होगा, फिर हम लोगों को कॉमन 180 से करना पड़ेगा। तो उतना कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग एक और चीज़ पढ़े थे जब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे, तो लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो जो पहला है एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी एंगल पी
क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कैसे हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, चूँकि ये आर टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हुआ कैसे, लीनियर पेयर एक्सियोम्स, ठीक है। अब पी क्यू टी का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू डी का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर हम लोगों को निकालना है, और हम लोग इसका वैल्यू हो गया 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री, यानी ये वैल्यू आ गया हमारा 70 डिग्री। आप देख सकते हैं 70 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम तरीके से हम लोग इस वैल्यू को भी निकाल लेते हैं कि यहाँ कितना आएगा, और अगर ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है कि ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उससे हम लोग अपना रिक्वायर्ड एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं क्यू पी आर का वैल्यू कि वो कितना होगा, ठीक है। तो आगे इसी में करते हैं, एंगल क्या दिया हुआ है हम लोगों का, एस पी आर, एस पी आर अगेन, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये भी कैसे हो गया, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। अब एंगल क्यू पी आर, एस पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है। अब एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर हम लोगों को निकालना है, क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू भी अब आ गया 45 डिग्री। हम लोगों ने दो चीज़ों का वैल्यू निकाल लिया, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नाउ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर हो गया क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस एंगल, और हम लोगों को निकालना जो है वो पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब पी क्यू आर का हम लोगों ने वैल्यू निकाला है 70 डिग्री, क्यू पी आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 45 डिग्री, और पी आर क्यू जो है वो हम लोगों को निकालना है, और ये तीनों का सम है 180 डिग्री, तो इसका मतलब है एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 45, ठीक है। अब एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 115, दैट इज 65 डिग्री, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 50
4 डिग्री एंड YO एंड YZ आर द बाइसेक्टर्स, YO एंड YZ, OZ, ठीक है, एंगल इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल OZY। हम लोगों को एक तो ये एंगल निकालना है, ठीक है, और YOZ हम लोगों को एक ये एंगल निकालना है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि हम लोगों का जो एंगल है उसको वो कम्प्लीटली दो हिस्सों में बांटता है। मीन्स कि अगर XYZ 54 डिग्री है, तो अगर OY इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो XYO जो हो गया, मतलब सिर्फ ये इंडिविजुअली 27 डिग्री हो गया और ये इंडिविजुअली 27 डिग्री हो गया, ये हुआ हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोगों को एंगल निकालना है, एंगल OY एक निकालना है, OZY, ठीक है, ये एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये कंप्लीट एंगल निकालते हैं। हम लोग निकालते हैं एंगल XZY, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी निकाल कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं XZY, ठीक है, चलिए तो उसको बनाते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी जो क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर्स एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल X का वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये 62 डिग्री है, एंगल XYZ का वैल्यू पता है हम लोगों को ये 54 डिग्री है, और एंगल XZY हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एंगल XZY जो हो गया वो 180 डिग्री माइनस 62 प्लस 54, 426, ठीक है, 426, 65, 11, 116 डिग्री, ठीक है। यानी ये आया हमारा 64 डिग्री, यानी एंगल XZY जो आया है वो है 64 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंस OZ इज द एंगल बाइसेक्टर, सिंस OZ इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, OZ जो है एंगल बाइसेक्टर है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल OZY इज इक्वल्स टू एंगल XZY by 2, that is 64 by 2, जो कि आएगा 32 डिग्री। यानी हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया 32 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर 32 डिग्री आया, ठीक है, और ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, ये अगर टोटल 54 है तो ये 27 होगा, ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। Also, OY is the angle bisector. OY is the angle bisector. This implies that angle OYZ is equals to angle XYZ by 2. XYZ by 2, यानी 54 by 2, यानी 27 डिग्री, ये वैल्यू आ गया हमारा 27 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OYZ, ठीक है, OZY तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब YOZ निकालना है। इंट्रेंगल OYZ एंगल OYZ, ठीक है, OYZ हम लोगों ने निकाला प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ जो कि हम लोगों को निकालना है,
ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री में, और ये कैसे हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी हुआ, ठीक है। अब ओ वाई जेड का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 559 डिग्री, 1 लेस देन 60, यानी एंगल वाई ओ जेड विल बी इक्वल टू 121 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। एंगल बी ए सी, दिस एंगल हैज बीन गिवन एज 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। हम लोगों को ये एंगल निकालना है। अब अगर आप लोग ध्यान दें कि ए बी और डी ई जो है पैरेलल है और ए ई इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, चलिए सॉल्यूशन, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए इज द ट्रांसवर्सल, ए इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ए ई और से बी ए सी, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी ई सी, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, और ये होगा कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी एंगल डी ई सी बराबर भी होगा 35 डिग्री, ठीक है, यानी ये एंगल भी कितना आया हमारा 35 डिग्री। अब ये एंगल आ गया 35 डिग्री और हम लोगों को निकालना है एंगल डी सी ई, डी सी ई यानी दिस एंगल। तो अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब इसका प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई, ठीक है, एंगल डी सी ई जो कि हम लोगों को निकालना है प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब एंगल डी सी ई हम लोगों को निकालना है, इसका वैल्यू है 50 सी डी ई, 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी सी ई कितना आ गया, एंगल डी सी ई कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 538 एंड 53 अगेन 888 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 92 डिग्री, यानी एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुकी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है कि इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस, दिस लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी सच दैट एंगल पी आर टी, मीन्स पी आर टी दैट इज गिवन 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू, टी एस Q is 75 डिग्री, फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी। तो सबसे पहले हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाकर एंगल का ये एंगल निकाल सकते हैं,
फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल निकालेंगे, और जब ये एंगल और ये एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल एस क्यू टी निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कि इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी एंगल पी आर टी, पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर, पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ बात, ये हुआ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब पी आर टी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री, और एंगल पी टी आर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर है। एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी पी टी आर जो आया वो हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। पी टी आर इज इक्वल टू आया 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू, और ये हुआ कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी हम लोगों का ये एंगल आया 45 डिग्री और ये एंगल भी आ गया 45 डिग्री, अगेन इन ट्रायंगल एस टी क्यू, ठीक है। हम लोग एस टी क्यू में वापस से लगाते हैं, अगेन इन ट्रायंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू, ठीक है, क्या होगा, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी जो कि हम लोगों को निकालना है, प्लस एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री, और ये होगा क्यों, क्योंकि ये ऑल क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल एस टी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी हम लोग निकाल रहे हैं, और एंगल टी एस क्यू जो कि दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये कितने के बराबर है, 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, ऐड करते हैं दोनों को, 120 डिग्री, मीन्स एंगल एस क्यू टी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये पैरेलल भी है, एंड एस क्यू आर, एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंड क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री, दिस एक्सटीरियर एंगल 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एस क्यू आर को हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो उस केस में ये 65 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन
इन ट्राइंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर, ठीक है, क्यू एस आर, क्यू आर टी एज एन इज एन एक्सटीरियर एंगल, क्यू आर टी इज एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 65 डिग्री, जो कि क्या है, एंगल क्यू आर टी है, एंगल क्यू आर टी है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने अपोजिट वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर में होता है, ठीक है। तो क्यू आर टी का हम लोगों को वैल्यू पता है, क्यू एस आर जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्यू एस आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एस क्यू आर को हम लोग लिखते हैं 28 डिग्री, और एंगल क्यू आर टी हम लोगों को पता है 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल्स टू 65 माइनस 28 डिग्री, ठीक है, जो कि बराबर है, फिफ्टीन माइनस एट सेवन, ये हो गया 5 माइनस 2 गया 37 डिग्री, यानी क्यू एस आर जो आया है वो है हमारा 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री, एंड पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल, ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एंड क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल, क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्यू एस जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि एंगल एक्स विल बी इक्वल्स टू, एक्स विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर, ठीक है, क्यू एस आर के बराबर हो जाएगा, और ये क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण, ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 37 डिग्री, एक्स का वैल्यू मिल गया 37 डिग्री, ये हम लोगों को पता है ही 90 डिग्री है, तो अब हम लोग वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये कैसे हुआ, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंड वी नो द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री, तो एंगल पी जो है वो है 90 डिग्री, एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 37 डिग्री, और हम लोगों को वाई निकालना है, जो कि बराबर है तीनों 180 के बराबर, y will be equals to 180 plus minus 90 plus 37, यानी 7 180 minus 127 degree, यानी y का जो वैल्यू आएगा 53 degree, ये हुआ हमारा y का वैल्यू, ठीक है, हम लोगों ने x निकाल लिया, y निकाल लिया, चलिए ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि 6.44 द साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S, ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, दिस बाइसेक्टर एंड एंगल PRS, PRS इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो T पे मिल रहा है, देन प्रूव दैट QTR, QTR मींस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, हम लोगों को इस फिगर में
प्रूविंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों अगर बाइसेक्टर हैं तो ये दोनों बराबर होगा आपस में, ये इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग जब ये देखिए, ये एक एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, और ये पी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका सम इसके और इसके बराबर होगा। तो मेनली हम लोगों को जो पता है इसमें एंगल के बारे में, सिर्फ यही पता है कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये अगर वाई है तो ये भी वाई है। और हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि क्यू टी आर, दिस एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्यू पी आर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्यू पी आर का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो क्यू पी आर का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे कि क्यू पी आर एक जो है ट्रायंगल है, हम लोग इसको एक्स एक्स मान लिए हैं और इसको वाई वाई मान लिए हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर जो एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें पी आर एस इज एन, पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये एक्स एक्स है तो यानी एंगल पी क्यू आर जो है टोटल टू एक्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये करते हैं कि एंगल एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर हम लोग इस एंगल को ले रहे हैं, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू टू वाई, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो क्यू पी आर का हम लोगों को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस टू एक्स, क्योंकि पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो टू एक्स है, यानी 2 इंटू वाई माइनस एक्स। क्यू पी आर का हम लोगों को वैल्यू मिल गया 2 इंटू वाई माइनस एक्स। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन वन मान के सॉल्व कर ले, यानी क्यू पी आर का ये हम लोगों को वैल्यू मिला कितना है, ये वैल्यू 2 इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं एक और ट्रायंगल में, अगले ट्रायंगल में। ये चीज़ को हम लोगों को याद रखना होगा कि हम लोगों ने क्यू पी आर का वैल्यू कितना निकाला था। अब आइए इस ट्रायंगल में क्यू आर टी, ठीक है, दिस ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल नाउ, ठीक है, ये कंप्लीट इस ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर ये 2y है, ये कंप्लीट 2y है, ये हम लोगों ने के पता किया है कि ये x है, ये सिर्फ x है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये अगर 2y है तो ये कितना होगा लीनियर पेयर एक्सियोम से, चलिए इसको हम लोग एक बार निकाल के देखते हैं कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, दिस इज आवर ट्रायंगल, ठीक है, एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू, टी आर क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस टू वाई, क्योंकि लीनियर पियर एक्सियोम है, ये टी आर क्यू जो है ये एक एंगल है और ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम लोगों को सिर्फ इस एंगल के बारे में पता करना है तो ये कितना होगा 180 माइनस टू वाई, टी आर क्यू का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। टी क्यू आर का वैल्यू, टी क्यू आर का वैल्यू हम लोगों को पता है x, ठीक है, और हम लोगों को एक वैल्यू और पता करना है, एक अगर हम लोग ये वैल्यू, तो ये 2y नहीं, ये हो गया हमारा 180 माइनस y,
ये वैल्यू जो हुआ 180 माइनस वाई, हम लोगों को ये पूरा एंगल कंसीडर करना है ना कि सिर्फ ये ट्रायंगल हमारा ये है ना, और इसके हिसाब से ये वाई है, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 180 माइनस वाई। टी क्यू आर हमारा आया एक्स। अब एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल QTR विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कैसे है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब TQR का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है x प्लस 180 डिग्री माइनस y, ठीक है, प्लस एंगल QTR 180 डिग्री, ठीक है। सबको उठाकर उधर लेके जाते हैं, एंगल QTR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस y माइनस x, ठीक है, प्लस y माइनस x है नहीं, एंगल QTR ये आया हमारा y माइनस x, राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, एंगल QTR का वैल्यू आया y माइनस x और QPR का वैल्यू आया था 2 इंटू वाई माइनस एक्स, यानी क्लियरली कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये y माइनस एक्स आया और ये आया y माइनस एक्स का दुगना, यानी कि QTR जो है वो एंगल QPR का आधा है, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव इक्वेशन 1 हम लोगों ने पहले कंसीडर किया था, 2 अभी हम लोगों को मिला, एंगल QTR इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QPR, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारे आज के एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।